हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10 स्टेट का मैथमेटिक्स में अलजेब्रा ये सब्जेक्ट्स है उसका फर्स्ट लेसन। सो फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि लीनियर का मतलब यहाँ पर आपको x एंड y से दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स कहा गया है, और लीनियर मतलब उसके पावर में आपको क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये एक इक्वेशन आपको मिल रहा है ax plus by plus c is equal to 0। इसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे वेरिएबल x एंड y, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स है और इसके अंदर आपको जो मिल रहा है x एंड y के पावर में क्या प्रेजेंट है, 1। दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स है, 2। दैट्स व्हाई यहां पर आपको टू वेरिएबल कहा गया है। Then, उसके बाद आपको यहां पर जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट आपको मिल रहा है ए बी और सी, जो कांस्टेंट होता है, इसमें एक नंबर ही हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के आपको ए बी सी क्या मिल रहा है, कोएफिशिएंट मिल रहा है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेसन का, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 5x plus 3y is equals to 9, equation number 1 दिया है। उसके बाद उसका second question दिया है 2x minus 3y is equals to 12, equation number 2 का आ गया है, ठीक है। अभी दोनों question को आपको simultaneous equation से solve करना है, तो देखते हैं कैसे solve करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि x variables के coefficient same है या नहीं है, या y वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। आप देखते हैं x में आपको 5 और 2 मिल रहा जो सेम नहीं है, तो फिर सेम कौन हुए, प्लस 3 और माइनस 3, ये कोएफिशिएंट सेम है लेकिन इनके साइन कैसे अपोजिट है। जब अपोजिट होते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 5x plus 3y is equals to 9, so 2x minus 3y is equals to 12। जब एडिशन करेंगे हम तो एडिशन में आपको प्लस 3y एंड माइनस 3y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या यहां पर 7x is equals to 21, so x is equals to 21 divided by 7, so x is equals to आपको यहां पर 3 मिलेगा, कितना मिला 3। ओके, देन अब हमने तो सिर्फ एक वैल्यू निकाली, x is equals to आपको कितना मिला है, 3 मिला है। अब उसके बाद हमें सेकेंड वैल्यू निकालना है y, then put x is equals to 3 in equation first। आप first या second किसी में भी वैल्यू को put out कर सकते हैं, तो हमने equation number first में put out कर दिया। so यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 5 into 3 plus 3y is equals to 9 मिलेगा। okay, then 5 जैसा कितना होता है 15, so plus 3y is equals to 9 मिल गया, so 3y is equals to 9 minus 15 कितना हो जाएगा, minus 6 मिलेगा। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y is equals to minus 6 upon 3, so y is equals to आपको minus 2 मिलेगा। so समझ में आ गया, simultaneous equation में आपको x comma y की वैल्यू मिलती है 3 comma minus 2, समझ में आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके,